हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हेल्थ टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है घनी दाढ़ी व मूंछ को उगाने के लिए। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आप किस तरीके से अपनी घनी दाढ़ी व मूंछ उगा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान से घरेलू उपायों के साथ। तो दोस्तों, ये उपाय जानने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं और भी नए वीडियोस और नए अपडेट्स आप सभी के लिए लाती रहूंगी, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं घनी दाढ़ी व मूंछ उगाने के लिए आसान घरेलू उपाय। दाढ़ी सिर्फ मर्द की खूबसूरती को ही नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को निखारने में अहम रोल निभाती है। जवान होते ही लड़के अपनी दाढ़ी को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रेज दिखाते हैं। कईयों को लंबी दाढ़ी मूछे रखने का शौक होता है। वैसे इन दिनों भी लंबी और घनी दाढ़ी का अच्छा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि कईयों की दाढ़ी जल्दी बढ़ती नहीं है। सच तो यह है कि बिना दाढ़ी वाले चिकनी और सपाट चेहरे में भी चुमकिया आकर्षण होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ पुरुषों को दाढ़ी से विशेष ही लगाव होता है। बड़ी संख्या में पुरुष अलग अलग स्टाइल में दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। हार्मोन्स असंतुलन कई बार दाढ़ी और मूछों के बाल कम होने की वजह बनते हैं। अपने लुक के साथ बदलाव करने वालों के लिए कई बार चेहरे पर दाढ़ी और मूछ के बालों का कम होना या इनकी ग्रोथ कम होना मुसीबत का सबब बन जाती है। तो मेरी फर्स्ट टिप्स है आंवले का तेल। दाढ़ी बनाने के लिए आंवले के तेल का सबसे उत्तम है। आंवले के तेल से रोज अपने चेहरे की 20 मिनट तक मसाज करें और फिर उसे ठंडे पानी से धोलें। आंवले के तेल में सरसों की पत्तियां मिलाकर पेस्ट बनाकर दाढ़ी वाले हिस्से पर 20 मिनट के लिए लगाएं। ऐसा सप्ताह में 3 या 4 बार करने से आप घनी दाढ़ी पा सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है दालचीनी के पाउडर में नींबू। दालचीनी के पाउडर में नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से चेहरा साफ कर सूती कपड़ों से पोंछ लें। ऐसा करने से आपके चेहरे की मासूमियत और नमी बनी रहेगी। हफ्ते में 2 बार करने से घनी दाढ़ी और मासूमियत दोनों आसानी से पाया जा सकता है। नेक्स्ट टिप्स है नारियल का तेल। करी पत्ते को नारियल के तेल में डालकर उबाल लें। जब यह ठंडा हो जाए तो अपनी दाढ़ी की मालिश करें। शेव करने से पहले हमेशा गुनगुने पानी में थोड़ा सा नारियल तेल डालकर चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। नेक्स्ट टिप्स है आंवले के तेल के साथ सरसों। आंवले के तेल के साथ सरसों की पत्ती को मिलाकर भी मसाज किया जा सकता है। इसके लिए पहले आप सरसों की पत्ती का पेस्ट बना लें और फिर उसमें 1/2 बूंद आंवला तेल मिक्स करें। इसके बाद इस पेस्ट को दाढ़ी वाले हिस्से पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ठंडे पानी से चेहरे को धोकर उसे साफ कपड़े से साफ करें। ऐसा सप्ताह में 3 या 4 बार करने से आप घनी दाढ़ी पा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे युवा जिनमें शारीरिक बदलाव आ रहे हो, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दाढ़ी को किस तरह से सेव करना चाहिए। अगर शुरुआत में ही ध्यान दे दिया गया तो आसानी से कम दाढ़ी और मूछों की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही कुछ विटामिन लें। अपने आहार और ब्यूटी प्रोडक्ट में विटामिन बी को शामिल करें। विटामिन B1, विटामिन B6, B12 भी बालों को जल्दी बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही रोज बायोटिन का सेवन करें। सो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो पर कमेंट करके जान सकते हैं। और मेरे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले और भी नए वीडियोस, नए अपडेट्स आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय।